हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो फ़ोन है तो वीवो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में स्क्रीन रिफ्रेश रेट है तो स्क्रीन रिफ्रेश रेट को आप कैसे चेंज कर सकते हैं अपने वीवो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि स्क्रीन रिफ्रेश रेट को चेंज कैसे कर सकते हैं वीवो फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन से हमारे फ़ोन में शो हो रहे हैं तो आपको स्वाइप करना है और स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। फिर आपको सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन आएगी। तो जो हमारे फ़ोन में स्क्रीन रिफ्रेश रेट है तो स्क्रीन रिफ्रेश रेट को आप चेंज कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली फ़ोन की सेटिंग शो हो रही है तो आपको यहाँ से सर्च करना है स्क्रीन रिफ्रेश रेट। तो सर्च करते ही यहाँ पर आइकन्स आ जाएगा हमारा ऑप्शन सेटिंग्स, तो इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करते ही इसके ज़रिए भी आप स्क्रीन रिफ्रेश रेट को चेंज कर सकते हैं। सिंपली देख सकते हैं कि यहाँ से रिफ्रेश रेट आप चेंज कर पाएंगे 60 हर्ट्ज़ एंड 90 हर्ट्ज़ पे। तो 60 हर्ट्ज़ करते हैं तो जो हमारी स्क्रीन है थोड़ी नॉर्मल तरीके से हमारे फ़ोन में शो करेगी। 90 हर्ट्ज़ में जो हमारी हाई जो स्क्रीन परफॉर्मेंस है, हाई परफॉर्मेंस हमारे फ़ोन में शो करती है। तो इस तरीके से आप स्क्रीन रिफ्रेश रेट को चेंज कर सकते हैं अपने वीवो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, सर्चिंग सेटिंग्स पे आकर। और आपको ऑप्शंस में मिलता है तो आप फ़ोन की डिस्प्ले सेटिंग्स पे जाकर भी स्क्रीन रिफ्रेश रेट को चेंज कर सकते हैं। सिंपली सेटिंग शो हो रही है तो आपको सिस्टम सेटिंग्स पे जाना है, जहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है, आपके फ़ोन में डिस्प्ले सेटिंग्स। तो डिस्प्ले सेटिंग्स को ओपन करना है, जहाँ से आप स्लाइड करते हैं तो स्क्रीन रिफ्रेश रेट सेटिंग्स आती है, जहाँ से आप स्क्रीन रिफ्रेश रेट को चेंज कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोज़ को शेयर करें।